कृष्णा तट पर अमरावती नगर जहां बम 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 भोला अमर लिंगेश्वर। कृष्णा तट पर अमरावती नगर जहां बम 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 भोला अमर लिंगेश्वर। झिमिर झिमिर नदी बहे कथा कहे रे बिना बोले हंसे खुशी व्यथा कहे रे। खट्टे मीठे रंग चुने बुने जिंदगी मह मह महके अमरावती की कथाएं। मह मह महके अमरावती की कथाएं। ये हैं जोगा राव टेलर मास्टर। अमरावती के खास लोग इन्हीं से कपड़े सिलवाते हैं। कपड़े सिलकर देने में जोगा राव बड़े पाबंद हैं। जो भी नाप लेते हैं उससे सिला हुआ कपड़ा न एक इंच ज्यादा होता है न एक इंच कम। सिलाई भी मामूली सी लेते हैं और इसीलिए उनका धंधा कभी मंदा नहीं पड़ता। की तरह जोगा राव ने आज भी सुबह दुकान खोली, साफ सफाई की, कारीगरों को काम दिया और फिर कटिंग करने बैठे। तभी उनकी नजर दुकान के सामने एक लड़के पर पड़ी, मगर जोगा राव ने खास ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ऐसा तो अक्सर ही होता है, कोई ना कोई कहीं ना कहीं से आकर दुकान के सामने खड़ा हो जाता है। माउस बाबू रमिया, मेरा चश्मा नहीं मिल रहा। चश्मा के बिना कपड़ा कहीं गलत कट गया तो? ढूंढ के दे बेटा, जरा ढूंढ दे। अपया, तू भी ढूंढना जरा। क्या मास्टर जी, रोज का यही चक्कर है। घर पे भूल गया तो चश्मा यहाँ ढूंढते हो, यहाँ भूलते हो, घर में अल्लाह मचाते हो। अरे उम्र हो गई है रे मेरी, उम्र के साथ साथ बदन ही नहीं याददाश्त भी कमजोर हो जाती। चल ढूंढ जरा। ढूंढता हूँ, इधर तो नहीं है। लो मिल गया, सीतानी के ब्लाउज के नीचे था। शर्म नहीं आती तुझे? मजाक करता तू। ढूंढती है तो और ऊपर से डांट खाओ। अच्छा अच्छा ठीक है, जल्दी काम कर। दो ब्लाउज है, ये पकड़ लिख। हाँ मास्टर जी। हाँ बोलो मास्टर जी। ऐसा ये ठीक है? हाँ हाँ लिख। नौ इधर घूमो। 16 ये ठीक है? हाँ ये लिख। 11 दो अम्मा। हो गया? हाँ ये लिख। 32 32 दो दिन बाद मिलेगा। हाँ कपड़ा नाप लिया? हाँ मास्टर जी। जल्दी से नाप।
रमैया खाने का टाइम हो गया, जा भोजन का डब्बा लेकर आ। जाओ तुम लोग भी जाके खाना खाओ। ए बच्चे इधर आ। कौन है तू? मैं पूछता नाम क्या तेरा? भाभी गाड़ू। भूख लगी है? आओ आओ। कितने दिन से नहीं खाया? आराम से खा लो, फिर टिफिन धो के रख देना। हाँ भैया। अरे वाह टिफिन तो तूने खूब चमकाया। अच्छा अब जा इधर रख दे। ठीक है। इधर आ। तू घर नहीं गया अभी तक? नहीं। चल ये गट्ठर उठा और चल मेरे साथ। हाँ क्या बात है, तू सुबह से इधर ही बैठा है? मेरी मदद कर सकते हो बाबू? अच्छा क्या कर सकता है तू? जो बोलेंगे सब करूंगा। पैसे नहीं दे सकता मैं, सिर्फ एक जून खाना चलेगा? हाँ। अच्छा तू रहता किधर है? दिन में इधर बैठता हूँ, रात को मंदिर के मंडप के नीचे सोता हूँ। क्यों तेरे माँ बाप किधर है? दोनों मर गए हैं। ओह तो तू अकेला है। अरे वाह तू इतनी जल्दी आ गया और झाड़ू भी लगा दी। अच्छा जा ये कचरा नाली में फेंक दे और मटका धोकर कृष्णा से पानी भर के ला। हाँ नमस्कार मास्टर जी। नमस्कार। नमस्कार मास्टर। नमस्कार।
साफ सुथरे घड़े में कई दिनों के बाद जोगाराव को पीने के लिए साफ पानी मिला। मास्टर जी हाँ। और कुछ नहीं, बस तुम उधर जाके बैठ जाओ। आज कई दिनों के बाद ठीक वक्त पर उसका टिफिन दुकान आया। अरे वाह, तू तो ठीक एक बजे टिफिन लेके आ गया। देखा इसको, जाओ तुम लोग भी खाने को जाओ। हाँ बापू, मैं आपसे एक बात पूछूं, आप नाराज तो नहीं होंगे ना? अगर सही बात होगी तो क्यों नाराज होगा भला? आप मुझे दर्जी का काम सिखा देंगे ना? सिखा दूंगा, मगर जल्दबाजी नहीं। अगर एक अच्छा दर्जी बनना है तुझे तो पहले काज बटन से शुरू कर। उंगलियों में सुई चुभेगी तो पता चलेगा कि तुझमें लगन है कि नहीं। ठीक है, आप मेरा इम्तिहान तो लो। दिखा जरा, ऐसे नहीं। हाँ हाँ ठीक है। हाँ शाबाश कर। पॉली और बाबी गाड़ू अब रोज शाम को मिलते और एक दूसरे के सुख दुख को समझने की कोशिश करते। तू रोज शाम को पानी पी के सोता क्या? हाँ, दिन में तो खाना मिल जाता है लेकिन शाम को बस पानी। कुछ खाएगा? मंदिर में मैंने आज प्रसाद चढ़ाया था, सोच रही थी किसको खाने को दूं, तो तू दिख गया। क्या करता है तू? जोगाराव दर्जी की दुकान पर काम करता हूँ। काज बटन जानता हूँ मैं? तेरे अम्मा नहीं ना? दोनों मर गए। तेरा नाम? बाबी गाड़ू। तेरा नाम क्या है? पोली। मेरे भी अम्मा नहीं ना नहीं, दादा के पास रहती हूँ, घरों में बर्तन साफ करती। तू रहता कहाँ? मैं दिन में तो दुकान पर रहता हूँ, शाम को मंदिर के मंडप के नीचे सोता हूँ। तू कहाँ रहती है? बस यही मंदिर के पास। अच्छा मैं चलूंगी, ताता इंतजार करता होगा। ताने का शुक्रिया। मैंने सोचा कल भी तेरे लिए प्रसादम लाऊं, पर अब नहीं। क्यों? तूने शुक्रिया क्यों कहा? अच्छा बाबा, शुक्रिया वापस। ऐसे अरे ये मशीन तो बाद में आई, पहले तो हाथ से ही सिलाई होती थी और भी कम मजबूत नहीं होती थी। दर्जी कितना हुनरमंद है ये तो तुरपाई से ही पता चल जाता है। अरे पास पास, दूर दूर नहीं है। ठीक है। टेढ़ी नहीं, सीधे, बिल्कुल सीधी। हाँ एकदम सीधी लाइन से लेके जाओ। हाँ ये हाँ ये हाँ ठीक है, दूर दूर नहीं, पास पास, ये छोटा छोटा ऐसे करो। हाँ ठीक, सीधे। पोली तुझे मालूम है आज मैंने तुरपाई सीख ली। तुरपाई? तुरपाई क्या होता है? तुझे कुछ भी नहीं मालूम, तुरपाई सिलाई की जान होती है और दर्जी की पहचान। सच्ची? हाँ, मास्टर जी कहते हैं कि मैं बहुत अच्छा तुरपाई करता हूँ और आगे बढ़कर बहुत अच्छा दर्जी बनूंगा। तो दर्जी बनेगा? ओहो, अब क्या करूं? क्या हुआ मास्टर जी? अरे चश्मा घर भूल गया ना? नहीं, मैं डाल लेता हूँ। अच्छा हाँ, इधर से है? छे दिख रहा है? शाबाश। अरे अरे ये क्या कर रहा है? मैंने पहली बार मशीन पर धागा डाला ना मास्टर जी, इसलिए। अच्छा अच्छा, खुश रहा खुश रहा।
मास्टर जी हाँ। मुझे भी आप मशीन पर काम करना सिखा दो ना, मेरा भी बड़ा मन करता है कि मैं भी आपके जैसा काम करूं। अच्छा चल बैठ मशीन पे हाँ। मगर अपैया के आने से पहले उठ जाना, अच्छा। नहीं तो नाराज होगा। हाँ? हाँ। चल ये कपड़ा ले, लगा लगा मशीन पे। हाँ उसको दबा नीचे, इसको दबाया। हाँ अब चला मशीन चला। हाँ सीधे सीधे सीधे। बोली तुझे लालिमनी कहाँ से मिली? मंदिर के पास पेड़ है ना, उधर से। कल दोपहर जाएंगे। ये नहीं अब नहीं जा सकता मैं। क्यों? मैं मशीन पे बैठने लगा हूँ ना इसलिए। ओहो बोली तुझे मालूम है मशीन पे बैठा तो कैसा लगता है? कैसा लगता है? जैसा कोई मोटर चला रहा है। तू तो पक्का दर्जी बन गया। अभी मैं पक्का दर्जी नहीं बना, जब मैं नाप लेना और कटिंग सीख जाऊंगा ना तब मैं पक्का दर्जी बन जाऊंगा। सीख जाओगे। देख नाप कैसे ली जाती है, सबसे पहले ग्राहक को सीधा खड़ा किया जाता है, है? सबसे पहले कंधे की नाप 15 इंच, ठीक, फिर बांह, पूरी बांह यहाँ तक और आधी ए 9 इंच, ठीक है, फिर गला, गला हमेशा थोड़ा ढीला रखना, है? ये 13 इंच, है? फिर सीना, चल उठा सांस फुला ऐसे, ये 27 इंच, फिर लंबाई, हाथ सीधे, ये 20 इंच। सही नाप लेने वाला ही सही दर्जी बन सकता है, नाप से एक सूत भी कम ज्यादा नहीं, समझे? मास्टर जी हाँ। और कटिंग? कटिंग आ बैठ बताता हूँ। ये रहा कागज और ये देख, ये क्या है, ये है कंधा, ये गर्दन और ये लंबाई, ये जो लाइन है ना हमेशा उससे 1 इंच ज्यादा रख के काटना चाहिए, लेकिन सिलाई हमेशा लाइन के ऊपर करनी चाहिए, न एक सूत इधर न एक सूत उधर, समझ गया? अब चल काट के दिखा, यहां से काट ऐसे, हाँ ठीक 1 इंच, हाँ ठीक, हाँ चलो शाबाश, जोर से ऐसे, ये ऐसे, अब घुमा ले। बोली एक बात पूछो। पूछ। तू मुझे मामा कहेगी? मामा? हाँ मामा यानी मंगेतर। क्या मैं तेरा मामा नहीं हो सकता? हो क्यों नहीं सकता, मुझे तू अच्छा लगता है। अच्छा लगता हो ना? हाँ तो एकदम सीधी खड़े हो जा। क्यों? अरे बाबा हो तो तेरा। ये क्या कर रहा है तू? बताऊंगा बताऊंगा। अटारा तेरा। अटारा नाप लेना सीख रहा हूं। बॉबीगा मालूम है मैं क्या बना रहा हूँ? क्या मास्टर जी? तेरे लिए एक कमीज बना रहा हूँ, कई महीनों से तूने पुरानी कमीज पहनी है ना इसलिए। मास्टर जी मैं भी कुछ बना रहा हूँ। अच्छा देखू तो सही क्या बना रहा है? अभी नहीं दिखाऊंगा, जब पूरी हो जाएगी ना तब दिखाऊंगा। क्यों रे आज के शादी की दावत पे जा रहा है क्या? नहीं आज मुझे मेरा इम्तिहान का फल मिलने वाली है। अरे वाह तुमने तो नई शर्ट पहनी है, बहुत सुंदर लग रहे हो। मास्टर जी ने सिल कर दी? हाँ मैं तेरे लिए भी एक चीज लाया हूँ। क्या? ऐसा नहीं, पहले आंख बंद कर, अब खोल आगे। अरे वाह ये तो बहुत सुंदर है। मैंने बनाया इसे। सच? अच्छा पहन कर दिखा। नहीं कल पहन। नहीं अभी पहन। तू उधर। हाँ
सी ली तूने, छोटी होती मुझे ये, ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने नाप में इतनी सी भी फर्क नहीं की ना, इसीलिए तो बुद्धू। मालकिन ने मुझे ये आधी साड़ी दी है, कहने लगी पोली अब तू बड़ी हो गई, अब आधी साड़ी पहना कर। और चोली तू तो कहती थी वो छोटी हो गई, समझता क्यों नहीं तू बुद्धू, पिन लगा कर पहनी है, मैं बड़ी हो गई हूँ।